कि जितनी भी भगवान ने उसको बुद्धि और स्किल और टैलेंट दिया है ना, चूहे के तो स्किल ही है कि वो खोद खोद के जाएगा, तो वो एक ऐसा खड्डा बना के बास्केट के अंदर एंटर करता है मेहनत से, और जैसे ही एंटर करता है वहाँ बास्केट में पहले से 7 दिन से एक कोई सांप फंस गया था, वो तुरंत वो चूहे को देख के ही निगल जाता है। सही वाली इंटेलिजेंस भी चूहा यूज करके डेथ फेस करेगा अगर उसके प्रारब्ध में ये लिखा है। तो आप वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया, लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज द थियरी ऑफ कर्मा। आज ये बुक खत्म हो जाएगी। आई एम हैप्पी एंड सैड बोथ। ये पूरी एंटायर सीरीज में आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, बहुत नए सवाल क्रिएट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया होगा, बहुत सारा नया पुण्य कमाया होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। द इंटेलेक्ट फॉलोज वंस पास्ट एक्शंस, मतलब इंसान की बुद्धि तक उस तरीके से शेप होती है जिस तरीके से उसको अपना प्रारब्ध फेस करना होता है, अपनी डेस्टिनी फेस करनी होती है। कि किसी पर्सन की डेस्टिनी में अगर लिखा है कि वो एक पर्टिकुलर जॉब चेंज करेगा और जॉब चेंज करते ही इमिजिएटली बहुत ही उसकी करियर में खराबी हो जाएगी एंड उसको निकाल देंगे और कोई उसको दूसरी कंपनी लेगी नहीं, या पैसे कट करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी तरीके से कोई परेशान करेगा, ऐसा अगर उसकी डेस्टिनी में लिखा है तो उसकी बुद्धि उसी तरीके से काम करेगी कि इंस्टिंक्टिवली उसको आएगा कि मुझे तो जॉब चेंज करनी है बिकॉज ही हैज टू फेस दैट प्रारब्ध। तो हमारी बुद्धि को भी गवर्न हमारा प्रारब्ध करता है अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेस्टिनी फेस करनी है। तो वो होता है ना, बहुत बार हमें ऐसे लोग मिलते होंगे कि यार मतलब इतना अमेजिंग सी इसकी लाइफ चल रही थी, एक इतना सा डिसीशन उसने ऐसा ले लिया या एक इतनी सी ऐसी चीज से तबाह हो गया वो पूरा। कोई ना कोई जरूर होगा, अगर आप ऐसा कोई इंसिडेंट जानते हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन करना, बिकॉज वो एक छोटा सा डिसीशन या वो एक छोटा सा इंसिडेंट उसकी डेस्टिनी में था, इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसे ही एक्शन करने लगती है। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया है कि समझो एक चूहा है, ठीक है, उसको भूख लगी है, उसको कमरे के कोने में अंधेरे में एक फ्रूट का बास्केट पड़ा हुआ दिखता है बंद, ठीक है, बंद है वो बास्केट, खोल के वो नहीं जा सकता। तो वो पूरी रात मेहनत करके कुतर कुतर के वो बास्केट के अंदर वो एक होल बनाता है, पूरी इतनी सारी मेहनत करके, जितनी भी भगवान ने उसको बुद्धि और स्किल और टैलेंट दिया है ना, चूहे के तो स्किल ही है कि वो खोद खोद के जाएगा, तो वो एक ऐसा खड्डा बना के बास्केट के अंदर एंटर करता है मेहनत से, और जैसे ही एंटर करता है वहाँ बास्केट में पहले से 7 दिन से एक कोई सांप फंस गया था, वो तुरंत वो चूहे को देख के ही निगल जाता है पकड़ के, जैसे कि वो वेट ही कर रहा हो अपॉर्चुनिटी का कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए, कहीं से मैं बाहर निकल पाऊँ। तो ये उसका प्रारब्ध था। तो उसकी सही वाली टैलेंट भी, सही वाली इंटेलिजेंस भी चूहा यूज करके डेथ फेस करेगा अगर उसके प्रारब्ध में ये लिखा है। तो आपको सही टैलेंट देके भी उसका फल सही नहीं आ पाएगा। मतलब एक तरफ बेचारा चूहे ने इतनी मेहनत करके भी मौत पाई, दूसरी तरफ सांप जो है वो आराम से पड़ा था तो भी उसको सामने से आ गया खाना कि ले मुझे खा ले। सो दिस इज डेस्टिनी, राइट। एक और ऐसा एग्जांपल दिया है कि कोई रैबिट है, उसकी डेस्टिनी में अगर लिखा है कि कोई गाड़ी के नीचे आके उसको मरना है तो वो भले भागेगा अपनी जान बचाने के लिए रोड क्रॉस करते टाइम, लेकिन वो भागने की वजह से ही वो गाड़ी के नीचे आएगा क्योंकि ऐसा लिखा था। तो अगर वो नहीं भागता, शायद खड़ा रहता, कोई एक्शन नहीं लेता तो वो बच जाता, लेकिन उसकी डेस्टिनी में ये था, इसलिए उसने उस डेस्टिनी ने उसको इंस्टिंक्टिवली फोर्स किया कि तू भाग तो ही तू बचेगा, बट एक्चुअल में इट वॉज डेथ वेटिंग फॉर हिम। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ नहीं करते ना तो ऐसा नहीं होता, पर वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। इंट्यूटिवली वो ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ कर बैठते हैं क्योंकि हमें वो फेस करना था। तो कोई बात नहीं, पर उसको एक्सेप्ट करने का हो गया, ठीक है, वी केम आउट स्ट्रॉन्गर, अल्टीमेटली दैट इज इम्पोर्टेंट। के प्रारब्ध फेस करके हम
सक्सेसफुल बाहर निकले। तो एक रिच बिजनेसमैन है, उसको एक अर्जेंट काम आया जिसकी वजह से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रिप करनी पड़ेगी, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग से बिजनेस डील। पर उसने जैसे इंक्वायरी करी, कोई भी फ्लाइट अवेलेबल थी नहीं, सारी की सारी बुक हो गई थी। प्रारब्ध इतना सुप्रीम है, इतना कंट्रोल है हमारे माइंड और इंटेलेक्ट और बुद्धि पे भी, कि वो बिजनेसमैन ने अपनी सारी की सारी मेहनत और अपनी सारी की सारी कॉन्टैक्ट्स लगा दिए उस सेम फ्लाइट में जगह पाने के लिए। एक दूसरे पैसेंजर को हटा के उसने सीट ली उस फ्लाइट में, और जैसे ही फ्लाइट में बैठा, कुछ मोमेंट में वो प्लेन क्रैश हो गया, बिकॉज वो उसकी डेस्टिनी थी। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स और टैलेंट जो नॉर्मल कोर्स में उसको मदद करते आगे बढ़ने के लिए, वही टूल बन गया उसकी डेथ का। सो ऐसा है प्रारब्ध, कुछ भी कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हैज देयरफॉर वाइजली ऑब्जर्व्ड, व्हाटएवर इज प्रेडिस्टाइंड फॉर यू, ईदर योर प्रारब्ध विल ड्रैग यू टू द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट टू मेक इट अ रियलिटी फॉर यू, और इट विल कम रनिंग ऑन इट्स फीट टू वेर एवर यू आर हाइडिंग। इन एनी इवेंट अंटिल योर प्रेडिस्टाइंड फेट हैज बिकम अ रियलिटी फॉर यू, यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ प्रारब्ध। कि जो भी आपके लिए डेस्टिनी में बना हुआ है ना, वो जब तक आपको नहीं मिल जाता, तब तक डेस्टिनी खींच के आपको वहाँ तक लेके जाएगी, या फिर अगर आप कहीं छुपे हुए हो तो खुद भाग के नंगे पैर आपके पास आएगी, लेकिन आपका प्रारब्ध तो आपको ज़रूर मिलेगा। कि चाहे कितना भी पायस मेंटालिटी का, कितना भी अच्छे मन का, कितना भी राजसिक इंसान क्यों ना हो, पर अगर उसको कोई एक पर्टिकुलर खराब प्रारब्ध फेस करना है, तो राम के जैसे भगवान भी वो सुनहरे गोल्डन डियर की सर्च में निकल जाएंगे जो कि है ही नहीं। उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है, इतना वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना हाईजैक कर लेता है प्रारब्ध हमारे माइंड को, कि जो चीज़ है ही नहीं हमें वो दिखने लगती है, और हम उस चीज़ को चेज करने लगते हैं, और चेज करते करते हमें सामने मिलती है क्या, हमारी डेस्टिनी। रावण वॉज वेरी लर्नड किंग, ही वॉज एक्सम्प्लिश्ड इन द नॉलेज ऑफ ऑल द फोर वेदास, एंड ऑल्सो वॉज द सुप्रीम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ही वॉज सो पावरफुल दैट ऑल द 9 प्लैनेट्स वर अंडर हिज सब्जुगेशन। मतलब वो शिव के भक्त तो थे ही रावण, बहुत ही ज्ञानी राजा थे, चारों वेदों का ज्ञान था, सारे के सारे ग्रह उनके कंट्रोल में थे। Even such a learned and mighty king became the victim of warped and twisted thinking. इतना सब होने के बाद भी उनकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो गई, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई, और उनको एकदम से गुस्सा आ गया कि मेरी बहन की नाक कैसे काट दी, अब देख मैं बदला लेता हूँ। इतने वेद वेद पढ़ने के बाद भी उनकी बुद्धि इतनी छोटी हो गई, क्योंकि क्योंकि कॉमेंट करो, he had to face his prarabdha. It was his prarabdha karma which led him to the self-destructive temptation of scheming for the abduction of Ram's wife Sita. This fatal lapse on part of Ravana again graphically illustrates the principle that when the moment of downfall arrives, the intellect of a wise man indeed becomes perverted. Vinash kale vipri buddhi, basically. So, aapki buddhi ko bhi aapka prarabdha govern karega agar wo koi cheez aapki life mein aani hai to. लेकिन मैंने क्या बताया मेरे प्रीवियस वीडियोस में, कि हम उस प्रारब्ध को फेस कैसे इजीली कर सकते हैं, कैसे सफ़र किए बिना फेस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कांस्टेंट अच्छे एफर्ट से। कि चाहे हमने गलत डिसीजन ले भी लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इसलिए, बट वो गलत डिसीजन होने के बाद भी हमारे अभी एक्शंस इतने अच्छे हैं कि उसका फल आके भी हमें फल नहीं आएगा। बुक के एंड पे आ गए हैं, लास्ट पॉइंट बचा है खाली, ओनली टू नो नॉलेज इज एनफ, नो एक्शन इज नेसेसरी। तो एक लायन का बच्चा जो कि खो गया था, पैदा होते ही उसकी माँ से दूर हो गया था, जिसको एक बकरियों के क्या बोलते हैं झुंड ने, जो भी बोलते हैं उसको ग्रुप ने बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया, गोट्स के बकरियों के जैसे घास खिलाए, बकरियों के जैसे मैमे करना सिखाया, उसकी जैसे चलना सिखाया, उसकी जैसे हिलना डुलना, खाना पीना, रहना सोना उठना सब सिखाया। पैदा हुए पहले दिन से उसको, भले वो था एक लायन, बट उसको अंदर से एकदम फीड हो गया था कि मैं तो बकरी ही हूँ। लायन होके भी वो मैमे कर रहा था। वैसे ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, बट फिर भी बहुत अच्छी स्टोरी है। कि फिर एक दिन एक बड़ा सा शेर आया,
एक फील्ड में जहाँ पे ये सारे गोट्स का ग्रुप और वो छोटा सा लायन का कब घास खा रहे थे, और जैसे ही शेर आया रोर करते हुए, सारे गोट्स और ये लायन का बच्चा भी इधर उधर भागने लगा डर के। तो वो बड़ा शेर आके एकदम से शॉक हो गया कि ये क्या कर रहा है, शेर बकरियों के बीच में घास खा रहा है, ये हो क्या रहा है। उसने सारी बकरियों को छोड़ के तुरंत वो लायन के बच्चे के पीछे भागा और उसको पकड़ा। लायन का बच्चा जो है वो एकदम डर के बोलने लगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत खाना। तो वो शेर बोलता है, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तो बच्चा बोलता है, क्योंकि मैं एक बकरी हूँ, आप मुझे खा जाओगे। तो शेर को एकदम दया आ जाती है कि अरे यार, तू तो मेरे रिलेटिव ही है, तू मेरे जैसा ही है। पर वो जो शेर खुद को बकरी मानता था, वो नहीं मानता कि नहीं, मैं तो बकरी ही हूँ। शेर उसको बहुत समझाता है और उसको लेके जाता है एक पॉन्ड पे, वहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाता है अपना कि देखो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे। तब जाके कहीं वो शेर मानता है कि अरे मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। जैसे ही उसको पता चला कि मैं बकरी नहीं शेर हूँ, तो उसको बकरी से शेर बनने के लिए कोई एक्शन, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बस उसका मान लेना ही काफी था कि वो एक शेर है, क्योंकि वो मानता था कि वो बकरी है इसलिए वो बकरी था। अब वो मानने लग गया कि वो शेर है इसलिए वो शेर है। तो जब हम मान लेंगे एक्चुअल में मन से कि हम क्या है, उसके बाद हमें कोई और एक्शन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। जब हमें एक्चुअली मन से रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम गॉड, तब और कोई एक्शन की जगह नहीं बचेगी। तब हम हमारे सारे के सारे कर्म से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वही पर्पस के लिए तो भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है। अब वो पर्पस अटेन करते करते जो ये बीच में कर्म किए, उसके फल हमें मिल रहे हैं। अब जब पर्पस ही खत्म हो जाएगा, तो भगवान हमें क्यों यहाँ रखेगा, क्यों ये कर्म की साइकिल में बांध के रखेगा। इफ यू ऑल्सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड हैपन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ लायन लाइक सद्गुरु, a bona fide spiritual master, then only he can make you realize your own eternal immortal real self, then only you can burn all your sanchit karmas in the fire of self knowledge gyan agni. So basically hum hamare jo teen karma hai, kriyaman karma, sanchit karma aur prarabdh karma ko kaise burn ya face kar sakte hain, kriyaman karma ko karma yog se, sanchit karma ko gyan yog se, और प्रारब्ध कर्मा को भक्ति योग से। ये तीन योग से हम इन तीन कर्मों को इजीली फेस एग्जॉस्ट कर सकते हैं। ये बुक में बताया तो है कि हम कर्म से बच नहीं सकते, लेकिन कैसे उसके इफेक्ट कम कर सकते हैं और बचने की कोशिश कर सकते हैं वो भी बताया। हमेशा याद रखना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। Awake, arise and stop not till the goal is reached. और यहाँ पे हमारी जो बुक है वो ख़त्म होती है। अमेजिंग सा नॉलेज था, एक अमेजिंग सा रियलाइजेशन होता है। कहीं ये बुक जो मैं नरेट करती हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए या यूट्यूब पे फेमस होने के लिए या यूट्यूब से पैसे कमाने का ही मेरा पर्पस नहीं है। ये बुक पढ़ते पढ़ते क्या होता है पता है, कि मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस कर रही हूँ, बहुत सारे मेरे प्रारब्ध फेस कर रही हूँ, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। लेकिन जब भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब मैं आप लोगों को ये बुक पढ़ के सुनाती हूँ या कोई भी ऐसी बात आप लोगों के साथ करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे फिर से वो रियलाइजेशन होता है कि यार इट्स ओके, इट विल जस्ट पास, जस्ट गो विद द फ्लो, ये सब मेरे ही कर्म है, चले जाएंगे, और मेरे में ही वो सारा पावर है वो पुरुषार्थ करने का, वो सारे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग करने का, जिससे मेरे लिए उसको फेस करना ईजी हो जाएगा, मेरे लिए उससे बचना ईजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो मेरे प्रारब्ध फेस करने में, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहना, ये वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करना, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए नॉलेज के साथ, एक नए सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप डूइंग गुड कर्मास, गॉड ब्लेस यू विथ ऑल दी हैप्पीनेस।